नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार दारोगा भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। 19 जून से शुरू हो रही है इंटर में नामांकन की प्रक्रिया। लोजपा की चिराग को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मिला न्योता। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ और बारिश को लेकर जारी किया गया रेड अलर्ट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 19 जून से शुरू हो रही है इंटर में नामांकन की प्रक्रिया। बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। दो दिन के बाद यानी कि 19 जून से इंटर में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार राहत भरी बात यह है कि बिहार बोर्ड ने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कई सुविधाएं दी है, जिसके तहत विद्यार्थी वसुधा केंद्र, DRCC, साइबर कैफे के साथ ही साथ खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इसके लिए 27 पेज का कॉमन प्रोस्पेक्टस जारी किया है, जिसमें स्टेप वाइज सारी जानकारियां दी गई है। इस प्रोस्पेक्टस में चित्र के जरिए भी स्टेप्स को समझाया गया है, जिसे देखते हुए खुद छात्र खुद से भी आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने से पहले मैट्रिक का रोल नंबर, रोल कोड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल तैयार रखना होगा। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैनर या फिर किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से फॉर्मेट के अनुसार कंप्यूटर या फिर मोबाइल में रखना होगा, जिसके बाद छात्र छात्राएं www.ofssbihar.in पर जाकर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर इसे पढ़ते हुए और स्टेप को फॉलो करते हुए फॉर्म को भर सकते हैं। अब निश्चित समय पर फ्लैट नहीं देने वाले बिल्डरों को उठाना होगा खामियाजा। राज्य में अब अगर कोई बिल्डर या फिर डेवलपर अपने फ्लैट खरीदारों को निश्चित समय से देरी करके फ्लैट को देते हैं या फिर फ्लैट देने में किसी तरह की देरी करते हैं, तो उन्हें इनका नुकसान भरपाई करना होगा। इस संबंध में बिहार रियल एस्टेट अपलेट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर बिल्डर या फिर डेवलपर निश्चित समय सीमा से फ्लैट देने में देरी करते हैं, तो यह रेरा अधिनियम के दायरे में आता है और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने वाले डेवलपर्स को फ्लैट खरीदने वाले को ब्याज और किराया देकर नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश अनुपम कुमार और यदुनंदन प्रसाद सिंह बनाम आधारशिला हाउसिंग बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। इसके साथ ही 2 महीने के अंदर रियल एस्टेट कंपनी को दोनों फ्लैट के मालिकों को नुकसान की भरपाई करने का निर्देश भी दिया है। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ और बारिश को लेकर जारी किया गया रेड अलर्ट। सूबे बिहार में मानसून के धमकते ही लगातार ही बारिश हो रही है, जिससे नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। वहीं नेपाल में भारी बारिश के कारण और वाल्मीकि बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में नदियां उफान पर आ गई हैं। इसके तहत गंडक, कोसी, बागमती व कमला बलान का जल स्तर बढ़ा है। ऐसे में गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 9 जिलों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में बादल गरजने, बिजली गिरने और इसके साथ ही भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य बचे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हाजीपुर बैंक लूटकांड में SIT की टीम ने 60 लाख से ज्यादा रुपए किए बरामद। हाजीपुर में हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर स्थित SDFC बैंक में करोड़ों की लूट मामले में SIT की टीम को CCTV फुटेज के जरिए कई सुराग मिले हैं। वहीं टीम ने इस क्रम में 60 लाख से ज्यादा रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बैंक से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने 1,19,60,000 रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद से ही SIT की टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। इस क्रम में टीम ने मुजफ्फरपुर और सकरा में कई जगह पर छापेमारी करते हुए एक मां बेटे को रुपए से भरे बक्से के साथ पकड़ा है। वहीं इस क्रम में कई अन्य जगह से भी छापेमारी करते हुए टीम ने रुपए की बरामदगी की है। वहीं अब इस पूरे लूटकांड के उद्भेदन में पुलिस के साथ टीम कई जगहों पर CCTV फुटेज खंगाल रही है। पंचायत चुनाव के लिए M2 मॉडल के EVM मंगाने की कवायद हुई तेज। बिहार में कोरोना की स्थिति काबू में आने के बाद से ही अब पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। 15 जून को जहां एक तरफ पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वहीं अब राज्य चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराने की कवायद में लगे हैं। इस क्रम में आयोग ने दूसरे राज्यों से M2 मॉडल के EVM मंगाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अब यह बात स्पष्ट है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव M2 मॉडल के जरिए ही होंगे, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने M3 मॉडल के EVM के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी है। राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रयास में है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर ही पड़ोसी राज्यों से जरूरी संख्या में EVM को मंगाया जाए। इसकी जिम्मेदारी सभी जिले के जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना भी EVM मौजूद है, इसलिए जरूरत के अनुसार ही दूसरे राज्यों से EVM को मंगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब M2 मॉडल के EVM से पंचायत चुनाव कराने के लिए 90,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले 93
हजार शिक्षकों की नौकरी पर गहरा संकट। बिहार में 93,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडा रहा है। दरअसल सरकार के आदेश के मुताबिक साल 2006 से लेकर 2015 के बीच अलग अलग नियोजन इकाइयों से बहाल हुए करीब 1.03 लाख शिक्षकों के जरूरी सर्टिफिकेट्स को निगरानी जांच के लिए उनके जिले के NIC पोर्टल पर अपलोड करना था, मगर 93,000 शिक्षकों के नाम काफी दिनों से छुटे हुए थे, जिसके बाद लगभग सभी 93,000 शिक्षकों के नाम और स्कूल को जिला पोर्टल पर अपलोड करके उनसे कई दिनों से उनके सर्टिफिकेट को NIC पोर्टल पर अपलोड करने को कहा जा रहा है। इसके लिए अंतिम तारीख 17 जुलाई की दी गई है। अगर तब भी जो शिक्षक सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं तो उनकी बहाली को फर्जी मानते हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के मामले में बिहार ने एक नई उपलब्धि किया हासिल। बिहार में वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। हाल ही में यहां के युवाओं ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लेने का एक मुकाम हासिल किया था, तो वहीं अब बीते दिन बुधवार को राज्य ने वैक्सीनेशन के मामले में एक और नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल बुधवार को सरकार ने 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था और इस महाअभियान में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बुधवार को बिहार 24 घंटे में देश में सर्वाधिक टीके लगाने वाला राज्य बन गया है। बुधवार की रात 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक सूबे में एक दिन के अंदर 4,52,894 लोगों को वैक्सीन देकर देश में टॉप पर बिहार बन चुका था। बिहार के बाद दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश था, वहीं यूपी टीकाकरण में बिहार से 1 लाख से पीछे था। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश व चौथे स्थान पर तमिलनाडु रहा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सूबे के कई जिलों में NDRF की टीमों को किया जा रहा तैनात। बिहार में मॉनसून का सीजन आते ही अब राज्य सरकार को संभावित बाढ़ की चिंता सताने लगी है। दरअसल नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, वहीं राज्य में भी जून महीने में रिकॉर्ड बारिश हो रही है, जिस कारण नेपाल से आने वाली कई नदियों में जल का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर NDRF की 9वीं वाहिनी की 10 टीमों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये 10 टीमें अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया व पटना जिले के कई हिस्सों में भेजे गए हैं। वहीं अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में भी जरूरत के हिसाब से जल्द ही NDRF की टीमों को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये सभी टीमें अत्याधुनिक बाढ़ बचाव के उपकरणों व संचार के उपकरणों से लैस है। इसके साथ ही कुशल गोताखोर, तैराक व मेडिकल स्टाफ भी इन टीम में मौजूद है, जैसे कि समय रहते ही लोगों को हर संभव मदद पहुंचाया जा सकेगा। बिहार दारोगा भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा भर्ती सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली को लेकर हुई परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर रिजल्ट को जारी किया गया है। जारी रिजल्ट के मुताबिक 2,062 कैंडिडेट्स ने दारोगा, 215 कैंडिडेट्स ने सार्जेंट और 125 कैंडिडेट्स ने सहायक जेल अधीक्षक के पद पर बाजी मार दी है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस और कारा एवं सुधार सेवाओं के अधीन दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के कुल मिलाकर 2,446 पदों पर बहाली होनी है। इनमें भूतपूर्व सैनिक कोटे से सहायक जेल अधीक्षक के 42 पदों का चयन पहले ही प्रक्रिया में पूरी कर लिया गया था। आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को ही हुई थी, जिसमें करीब 5.85 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसके बाद लॉकडाउन और बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य परीक्षा में देरी हुई, जिसके बाद 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। पटना वासियों को इस बरसाती सीजन में जलजमाव से मिलेगा छुटकारा। बिहार की राजधानी पटना में बरसात का सीजन आते ही नालियों और सड़कों में पानी भर जाने के कारण जलजमाव की समस्या से हर बार दो चार होना पड़ता है, मगर इस बार उन्हें जलजमाव की समस्या से राहत मिल सकती है, क्योंकि राजधानी में जलजमाव की दिक्कतें ना आए इसकी जिम्मेवारी अब खुद राज्य के डिप्टी CM ने ले ली है। इसके तहत आज सुबह से ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राजधानी के तमाम सम्प हाउस की स्थिति का जायजा लिया। वहीं साथ ही पानी के निकासी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इस क्रम में आज सुबह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 0 माइल और सैदपुर के सम्प हाउस और नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन व पटना की मेयर सीता साहू भी मौजूद रही थी। आपको बता दें कि राजधानी पटना में जलजमाव जैसी कोई भी समस्या को लेकर पहले से तैयार रहने को लेकर सरकार हर स्तर पर तैयारियां और बैठकें कर रही हैं। ऐसे में लगता है कि इस बार पटना को जलजमाव की समस्या से रूबरू होना नहीं पड़ेगा। बक्सर जिले में नकली नोट छापने वाले जालसाजों को किया गया गिरफ्तार। राज्य में लॉकडाउन के दौरान कई जालसाजों ने अलग अलग तरीके से कमाने के तरीकों को ईजाद किया है। इस बीच अब नकली नोट छापने वाले गोरख धंधे का खुलासा बक्सर से हुआ है। जानकारी के मुताबिक बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गाँव में नकली नोट छापने वाले जालसाजों को पुलिस ने खुलासा किया है। इसके तहत एक ही परिवार के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह इस मामले में अन्य संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने पर उक्त गाँव के सुभाष सिंह
सिंह, उनके बेटे धर्मेंद्र सिंह और चचेरे भाई अशोक सिंह बीते 2 महीने से गांव में नकली नोट छाप रहे थे, जिसके बाद मंगलवार की रात छापेमारी करके पुलिस ने 3,12,000 के तैयार नकली नोट व 65,600 आधे छपे नकली नोट को बरामद किया है, जिसमें 100, 200 व 500 के जाली नोट शामिल थे। इसके साथ ही लैपटॉप, प्रिंटर समेत अन्य कई चीजों की भी बरामदगी की गई है। संसदीय क्षेत्र के नेताओं से मिला चिराग पासवान को समर्थन। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मुश्किलें भले ही उनके अपनों ने ही बढ़ा दी है, लेकिन उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के लोजपा नेताओं से भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस क्रम में बीते दिन जमुई में लोजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर आने वाले दिनों में चिराग पासवान के नेतृत्व में ही पार्टी की नींव के मजबूत होने की बात कही। वहीं इस बैठक से पहले लोजपा कार्यकर्ताओं ने जमुई के शहरी क्षेत्र में एक जुलूस निकालकर उनके चाचा पशुपति पारस सहित चिराग के विरुद्ध जाने वाले अन्य 5 सांसदों के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन भी किया। वहीं बिहार के अन्य जिलों में भी चिराग पासवान के समर्थन में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। अररिया जिले में भी सभी लोजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके चिराग पासवान और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रति समर्थन भाव जताया है। इसके साथ ही बागी नेताओं को सत्ता लोभी कहते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की। लोजपा के चिराग को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मिला न्योता। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचने के बाद से ही बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। एक तरफ जहां जदयू और लोजपा के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का एनडीए प्रेम भी साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी अब चिराग पासवान के संकट भरे समय में हाथ बढ़ाती दिख रही है। इस क्रम में बिहार कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर किया है। भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पशुपति नाथ पारस कभी नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए सबको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा चिराग पासवान के लिए खुला है। गावस्कर ने जडेजा अश्विन को लेकर दिया बड़ा बयान। कल से न्यूजीलैंड और भारत के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। ऐसे में भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर का मानना है कि इस मैच में जडेजा और अश्विन को टीम में खिलाना इंडिया के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि साउथहैम्पटन में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पिच सूखी होगी और स्पिनरों की मदद करेगी, लिहाजा अश्विन और जडेजा दोनों खेल सकते हैं। जडेजा और अश्विन ने पिछले कुछ सालों में बल्ले से भी उम्दा प्रदर्शन किया है। पूर्व कप्तान ने कहा कि अश्विन जडेजा बल्लेबाजी को भी गहराई देती हैं और गेंदबाजी में भी संतुलन लाते हैं। देश भर में दर्ज किए गए 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। देश भर में कोरोना के औसत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 67,208 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान कुल 2,330 संक्रमितों की जान भी चली गई है। इस दौरान 103,570 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 826,740 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान कुल 370 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 730 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में अब एक्टिव केस 3,990 हो गए हैं। वहीं रिकवरी दर 98.12% हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब पार्क और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।